नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार सरकार। वेलकम टू माय चैनल गार्डन रूफटॉप। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो प्लांट लेके आया, इंडिया में ज़्यादातर मतलब पुदीना के नाम पे जाना जाता है। तो दोस्तों, आज इसके बारे में पूरा मैं बताऊंगा, इसको कैसे उगाएंगे, कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, क्या इसका गुण है, इसके बारे में पूरा मैं जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, बिफोर दैट मतलब इस जानकारी से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल ये जो वीडियो है, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, और देखने के बाद अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें और ऑल बटन को भी प्रेस करें, ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए जो मेन प्लांट्स, ये जो मेरा एक पॉट में मैंने इसको उगाया है, मिंट जो बाज़ार से लेके आए थे, ये एक बंच में था, तो उसमें उसी में से कुछ जो है मैंने इसमें डाला था। दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ये जो पुदीना का प्लांट है, ये चारों वैरायटीज़ में आता है। एक तो जापानीज़ मिंट है, साथ साथ वो जापानीज़ मिंट को मेंथल भी बोलते हैं, मेंथल मिंट भी बोलते हैं। दूसरा जो है वो है स्पीयरमिंट, तीसरा जो है वो है पेपरमिंट, चौथा जो है वो है बर्गामोट मिंट। तो दोस्तों, ये चारों वैरायटीज़ में से जो कि कल्टीवेशन जो करता है इंडिया में, वो जापानीज मिंट को ही कल्टीवेशन ज़्यादातौर पे होता है, इसे कमर्शियल पर्पस। और आप जो बाज़ार से लेके आते हैं, वो स्पीयर मिंट है जो कि बाज़ार में मिलता है। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये स्पीयर मिंट है। इसको उगाने के लिए हम जो सॉइल इस्तेमाल करते हैं, वो सॉइल जो है बिल्कुल मतलब क्ले वाला सॉइल नहीं होना चाहिए, मतलब चिकना सॉइल नहीं होना चाहिए, जो कि सॉइल वेल ड्रेन्ड हो, और जो सॉइल में ऐसे लोमी सॉइल जो है या तो लोमी सैंडी सॉइल जो है, उसके लिए बेहतर है। और मतलब क्या ना, जो ऑर्गेनिक जो सॉइल है, जिसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस ज़्यादा हो, जो सॉइल में ऑर्गेनिक सब्सटेंस ज़्यादा हो, उसी सॉइल में इसको उगाना बहुत अच्छा है। तो उसी में बहुत अच्छी तरह ये ग्रो करता है। ज़्यादातर मतलब क्या ना, ट्रॉपिकल एरिया में नहीं ग्रो होता है, ज़्यादा टेम्परेचर इसको सहन नहीं होता है, इसीलिए जो कि टेम्परेचर वो 20 से लेके 35 या 40 डिग्री तक 40 डिग्री सेल्सियस तक ये सहन कर लेता है, लेकिन वो भी डायरेक्ट सनशाइन में नहीं, किसी शेड के नीचे हल्का मतलब क्या ना, जहाँ पे सनशाइन मतलब हल्का लगता हो, जहाँ पे धूप छाव दोनों ही रहे, डायरेक्ट सनशाइन में ये मतलब ज़्यादा ग्रो नहीं होता, ये जल जाता है। तो दोस्तों, इसीलिए इसको डायरेक्ट सन से थोड़ा अवॉइड करें, और जहाँ पे मॉर्निंग सन लगे, मॉर्निंग सन आता है, मॉर्निंग सन में थोड़ा सा 2-4 घंटा मतलब इसको मॉर्निंग सन लग जाए, और उसके बाद जो है उसमें धूप न लगे, इसी जगह पे इसको उगाना ही अच्छा है। तो दोस्तों, ये कटिंग से उगाया जाता है, इसका मैं मतलब कटिंग्स कर लूँगा, और जो जगह मैंने चुना है मैं आपको दिखाऊँगा, और उसमें कैसे मतलब कहना इसको उगाएंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। पुदीना का चटनी मतलब सभी को पता है, पुदीना का चटनी, पुदीना धनिया मिक्स करके जो चटनी बनाता है, तो उसी को सभी जानता है, पुदीना चटनी। ये छोड़ के बहुत सारा डिशेज में इसको फ्लेवर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और ये एनर्जेटिक भी है, साथ में मतलब ये वेट को भी लॉस करता है। तो दोस्तों, इसका बहुत सारा बेनिफिट्स है। तो दोस्तों, इसको कटिंग मतलब जो है, इस कटिंग से उगाने से इसको कम से कम 3-4 इंच मतलब ऐसे लंबा करके इसको कट करना है। जैसे ये मैं कट कर देता हूँ, देखिए ज़रा, तो ये देखिए, ये मैं कट करता हूँ, इसका ये हो गया। तो ऐसे ऐसे मतलब ऐसे कट करके मैं लेता हूँ। दोस्तों देखिए, ये मैंने कटिंग कर लिया, ये जो है इसका प्रूनिंग भी हो गया, ये भी मतलब कहना और ज़्यादा ग्रो हो जाएगा, इसमें ये फैल जाएगा, और प्रूनिंग करने से और ज़्यादा ब्रांचेस निकलता है और ज़्यादा फैल जाता है। तो इसको मैं अभी ये जो है कटिंग मैंने कर लिया, इस कटिंग्स को अभी मैं ये मिट्टी में डालूँगा। दोस्तों, ये मैंने जगह चुना जो है, ये मेरा लीची का पेड़ है, लीची का पौधा जो है, ये देखिए, ये लीची मतलब जो है ना, ये इस साल से मतलब स्टार्ट हो गया, इसमें से लीची मतलब क्या ना वो उग रहा है। ये देखिए, अभी भी मतलब क्या है, इसमें बहुत बहुत सारा जो है, इसमें छोटा छोटा जो लीची इसमें दिखाई दे रहा है, मतलब ये बहुत सारा है। तो ये लीची का जो पौधा है मेरा, इसी के जो गमला है, इसी गमले में मैं
इसी को डालूँगा। ये ज़्यादातर मतलब क्या होता है, इसमें धूप कम लगता है, सुबह मॉर्निंग सन इसमें लगता है, और उसके बाद 12-12 बजे के बाद मतलब ये इसमें शेड आ जाता है। तो ये जो जगह है बहुत ही सूटेबल है ये पुदीना के लिए। तो दोस्तों मैंने पहले मिट्टी को जरा इसको गुड़ाई करके गया था, और उसके बाद मैं ये जो अभी मैं आपके सामने ये जो लेके आया पुदीना, इसी में डालूँगा और इसी में ग्रो करूँगा। ये 2-3 फ़ायदा है इसमें। एक तो है इसका जो है ये जो घास फूस इसमें होता था ये नहीं होगा, और दूसरा तीसरा और इसमें मतलब क्या ना, धीरे धीरे इसको मैं प्लांट कर देता हूँ। ये मतलब थोड़ा सा 2-3 इंच छोड़ के 3 इंच मतलब छोड़ के इसको प्लांट कर देता हूँ, ताकि इसी में ग्रो हो जाएगा। और उसके बाद थोड़ा वाटरिंग कर देंगे तो ये बहुत ही मतलब कहना है। तो जो मैं फ़ायदा की बात कर रहा था, इसमें तो एक घास फूस भी नहीं होगा, और दूसरा है इसको जो जैसे मतलब इसको ये चाहिए टेम्परेचर और जो शेड है ये इसको मिलेगा, ये भी अच्छी तरह इसमें ग्रो हो जाएगा। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इसमें इस्तेमाल करते हैं, जो कि ये दोनों पौधे के लिए बढ़िया है। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से मतलब इसमें ज़्यादा अच्छा ग्रो करता है। तो घर में भी मतलब क्या ना, आप इसमें पॉट में आप भी उगा सकते हैं, जो पुदीना का इस्तेमाल है आप भी कर सकते हैं ऐसे घर पे उगा के। दोस्तों ये आपको पता चल रहा है कि पुदीना कितना अच्छा है, कितना इसका गुण है, और जो खाने में भी इसका इस्तेमाल बहुत ही होता है। तो दोस्तों इसको आप भी उगाइए और इसका जो लाभ है उसको लीजिए। तो देखिए इसको थोड़ा वाटरिंग कर देता हूँ हल्का हल्का सा। अभी रुक रुक के तो बारिश हो रहा है, थोड़ा सा पानी चाहिए इसमें, ऐसे ही इसमें मॉइस्चर है, और थोड़ा सा पानी डालने से और ठीक हो जाएगा। अभी टाइम जो है 4 बज रहा है, शाम को 4:30 हो रहा है, तो अभी धूप भी चला गया, यहाँ पे धूप नहीं लगता है। 12-12 बजे के बाद मतलब जो है यहाँ थोड़ा धूप कम हो जाता है, धूप इन द सेंस ये जो छाया है, ये जो लीची का पौधा है मेरा, इसका जो शेड है ये नीचे आ जाता है, तो इसी में बहुत अच्छा इसमें ग्रो हो जाएगा। तो देख लिया दोस्तों, इसका आप भी मतलब कहना घर पे उगाइए और इसका जो बेनिफिट्स है उस पूरा लीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट नया वीडियो में एक नया जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।